समझाने के लिए कि दूसरों के लफड़े में पड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डालना कोई अकलमंदी नहीं है। ए लुक्का, सामने देख, तेरा बाप तांडे आया है। तांडे खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप, तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। बॉलीवुड में इतनी धमाकेदार एंट्री मारी और उसमें आपका नाम रखा गया था, अगर राजकुमार जी बोलते हैं अपने डायलॉग में तो गेंडा गेंडे जैसा दिखता, तो गुंडा भी नाम बदनाम है और गेंडा भी नाम बदनाम है। तो मैं बदनाम का ही रोल कर रहा था, तलवार के घाव डालते है और उसमें उन्होंने गाली भी। एक्टर बनने का या इंस्पेक्टर बनने का, ये दो सपना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों आज के इस खास एपिसोड में मैं आप लोगों को एक ऐसी बॉलीवुड की बड़ी हस्ती से मिलवाने वाला हूं। आप लोगों ने शायद इनको फिल्मों में देखा होगा, शायद नाम आपको पता हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग बात करते हैं आज दीपक सिरके जी के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड जगत में अपना नाम कमाया है और लोगों के दिलों पर राज किया है और अभी भी राज करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आप लोगों ने सर की कौन सी मूवी देखी है, आप लोगों को सर की कौन सी मूवी का कौन सा डायलॉग या सीन आपको पसंद आया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी हम लोग सर से बात करते हैं इनके जीवन के बारे में और फिल्मी दुनिया में ये कैसे आए, इन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए दोस्तों हम सर से बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। सर मेरा नाम मनीष है और मैं राजस्थान के अलवर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव का नाम है ढाडोली। और यहां पर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, खास आपसे मिलने के लिए, और मुझे मिलवाया आप लोगों से सूरज भाई, हमारे बड़े भाई सूरज ने, जो अभी कैमरे के पीछे हैं। तो सूरज भाई को भी अपने दिल से धन्यवाद और सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे चैनल पर आए। तो सर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं सर। क्या जानना चाहते हैं सर? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहां से शुरुआत की थी और आपने क्या क्या किया था फिल्मी दुनिया के लिए और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, मतलब आपके जीवन से लेके अब तक, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, वो भी मेन बॉम्बे। मैं मरीन लाइन्स में जन्मा, वही बड़ा हुआ। मेरा स्कूल भी एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल, उधर मेरे पढ़ाई हुई। और उस स्कूल के पीछे एक थिएटर था रंग भवन करके, रंग भवन थिएटर। तो हमारी छुट्टियों में हम वहाँ पे घूमते थे, तो वहाँ पे रिहर्सल चलती थी ड्रामा होगी, तो हम देखते रहते थे कि ये कैसे करते हैं, बहुत अच्छा लगता था। और तभी से मन में ठान ली कि अपन भी कुछ ऐसा ही करने का। तो इंस्पिरेशन मुझे रंगभवन से मिली और फिर काम तो करना है, लेकिन उसके लिए कैसे काम करना, क्या करना। तो हमने पहला ड्रामा किया मुंबई मराठी साहित्य संघ मंदिर, उनका पहला 76 में ड्रामा किया राजमुकुट करके, राजमुकुट। हाँ, तो वो ड्रामा मैंने एक छोटा सा रोल किया उसमें, मारे करी का, जो किलर होता है ना उसका। तो उस ड्रामे से मुझे पता चला कि ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, मेहनत बहुत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे रोल करते ड्रामा में, मेरा एक बखर एका राजाची नाम का एक नाटक आ गया, उसमें मैं राजा का एडीसी था। मेरे लिए संवाद नहीं थे, लेकिन एक प्रेजेंस था वहाँ का स्टेज पर। तो उसमें मैंने सीख लिया। तो कभी कभी मैं थिएटर में, खाली थिएटर में जाता था, स्टेज पर घूमता था, कुछ मैंने देखे हुए नाटक के कुछ पार्ट अपने आप में अदा करता था।
कोई ऑडियंस नहीं था, कोई ना मैं और स्टेज, खाली थिएटर के अंदर। तो मजा थी, वो एक करने का एक शौक था। आईने के सामने खड़ा होकर अपने डायलॉग देखता था, बोलता था, जो ड्रामा देखे तो उसके डायलॉग बोलता था। मैं होता तो मैं ये करता हूँ, वो करता, ऐसा सब चलता था। आहिस्ते आहिस्ते स्टेज में मेरी एंट्री हो गई। स्टेज से मैंने, महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पे हमने परफॉर्मेंस नहीं किया, बहुत जगह पे परफॉर्मेंस किया। वो तो सर आपके फिल्मों से आपके जो करियर है, क्योंकि आप 100 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं। वो तो है। तो आहिस्ते आहिस्ते करके पहली मुझे मराठी फिल्म मिली, धड़ाकेबाज। और बाद में मुझे एक शून्य शून्य नाम का एक हमारा मराठी में टीवी शो चलता था, वो इतना हिट हो गया कि मेरे लिए सब दरवाजे खुल गए। और फिर मैंने पीछे देखा नहीं, फिर मैंने सब लोगों के साथ काम किया। मेरे नसीब से मैंने दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया और देवानंद के साथ काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन वो मेरे दोस्त थे, देवानंद जी मेरे दोस्त थे। और बहुत लोगों के साथ काम किया, ऐसे कोई नहीं रहा कि मैंने काम नहीं किया। सर आप जो आपने मराठी फिल्मों के अंदर काम किया, जब आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तो आपको क्या करना पड़ा, और आपको इंडस्ट्री में आने के बाद में कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, मैंने स्टेज में जो सीखा ना वो मेरे काम में आ गया। परेशानी तो होती है, लेकिन रोल करने के लिए परेशानी मुझे कभी नहीं हुई। मैंने, मेरा एक शूटिंग चल रहा था एक शून्य शून्य का कैडल रोड पर, वीर सावरकर रोड पर, तो वहाँ पे यश धर्मा प्रोडक्शन के यश जोर आ गए और उन्होंने बताया कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है अग्निपथ, उसमें आपके लिए एक रोल है, आप अगर करेंगे तो मुकुल आनंद वहाँ पे आपकी राह देख रहा है, तो आप जा सकते हैं क्या? मैं बोला मैं लंच में जा सकता हूँ, लंच ब्रेक में, क्योंकि इनको डेट दी है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, लंच में उनको आप परमिशन लेके मैं मुकुल से मिलके आता हूँ। ठीक है बोला, तो मैं वहाँ गया, मुकुल से मिला, तो मुकुल मुझे अच्छा लगा। उसमें कुछ एक था बात की, बात करने की, और ये मुझे आदमी पसंद आया, मैंने तुरंत हाँ कर दिया। और वहीं पर टेलर थे, उन्होंने नाप लिए, नाप क्या, लूंगी तो पहनना था, नाप भी लिए और हो गया। तो मैं आया तो बोले क्या है, अरे साला अमिताभ के साथ तुम काम करने वाले, अभी तुम बड़े हो गए होंगे, अरे काम कर रहे हैं। मैंने किसी को बोला नहीं कि मैंने अग्निपथ में काम किया, क्योंकि मैंने काम किया और काम एडिट हुआ तो क्या, मैं क्या गमजा मार रहा था क्या, बड़ी बड़ी बातें काम करता था, इसलिए मैं बोला नहीं। जब लोगों ने रिलीज होने के बाद जो देखा मेरे को, तो मेरे को फीडबैक आने लगे, अरे क्या यार, तो अरे स्पेशल इंट्रोडक्शन है तेरे लिए, ये वो। तो समाधान, अन्ना सेठी का रोल किया आपने, है ना? सर आपने बॉलीवुड में इतनी धमाकेदार एंट्री मारी, आपका तिरंगा फिल्म के अंदर एक इतने बड़े विलन का रोल आपने किया था, और उसमें आपका नाम रखा गया था प्रलयनाथ गुंडा स्वामी, तो और अगर राजकुमार जी बोलते हैं अपने डायलॉग में तो गेंडा स्वामी बोलते हैं आपको, तो सर इस नाम के पीछे मतलब क्या कहानी है कि उन्होंने गेंडा स्वामी का क्या दिलचस्प कहानी है इसके? वो मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी, कि मैं जैसा तगड़ा दिखता था गेंडे जैसा दिखता था उनको, तो वो अच्छा रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा वो गेंडा स्वामी बोले या गुंडा स्वामी बोले। गुंडा भी नाम बदनाम है और गेंडा भी नाम बदनाम है, तो मैं बदनाम का ही रोल कर रहा था, तो मुझे क्या फर्क पड़ा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने गुंडा स्वामी नहीं बोला, गेंडा स्वामी बोला, लोगों को जहन में रह गया।
तिरंगा फिल्म जब आई थी तो आपका जैसे नाम था घेंडा स्वामी, और अधिकतर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आपका नाम, रियल नाम जो दीपक सिरके जी, पता नहीं था। मैं भी आपको घेंडा स्वामी के नाम से जानता, और आपको मतलब जब तिरंगा फिल्म आने के बाद में जो मेन पहचान मिली घेंडा स्वामी के नाम से, आप मतलब फेमस हो गए दुनिया में। सर, आपने बॉलीवुड फिल्म में इतने बड़े कलाकारों के साथ काम किया जैसे अमिताभ बच्चन जी, राजकुमार जी, मिथुन दादा जी और धर्मेंद्र जी, तो आप जब इनके साथ में काम करते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? जैसे कि अभी मैं आपके साथ में एक वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरे को कितनी खुशी हो रही है और मैं कितना नर्वस हूँ। तो आपने जब फर्स्ट टाइम इन लोगों के साथ में काम किया था तो आपको कैसा लगा उनके साथ में? देखो, मैंने एक सीखा था स्टेज पर कि जो सीन है ना, जिसका है ना, उसने ही करने का, उसमें जान डालने की। तो उस सीन जो मेरे थे तो मैं ही करने वाला था और उसमें जान डालना था मुझे। तो सामने कोई भी हो, हिचकी करने का नहीं, उस दमदार आवाज से और दमदार स्टाइल से करने का हो। तो मैंने वो सीखा था तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं, खुशी होती थी कि बड़े लोग हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो सौभाग्य से, मेरे नसीब से, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया तो अच्छा लगा मुझे, खुशी होती थी। और सर, जैसे आप कभी शूटिंग टाइम पे आप मान लो कोई एक्टर के साथ में आपकी चिक चिक पे मतलब कोई झटापटी हुई थी कभी शूटिंग टाइम? बिल्कुल नहीं हुई थी, बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं हुई थी। कोई शो में अगर आप मतलब मिस्टेक से हो गई तो किसी ने डांट दी? नहीं, डांट भी नहीं खाई और किसी मिस्टेक भी नहीं हुई। अच्छा, मुझे डांटने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। सर, मैंने आपके बारे में इंटरनेट पर कुछ थोड़ा ऐसा पढ़ा था कि आपको एक बार फिल्म की शूटिंग के लिए एम्बुलेंस लेकर शूटिंग पर जाना पड़ा। नहीं, वो स्टेज शो था हमारा पुणे में और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ बंद था, ये था वो था। तो हम लोग बहुत लोग थे, 7-8 लोग थे, हमारा शो था पुणे में। तो हम लोग ने एम्बुलेंस में एंट्री करके फिर पुणे पहुंचा और शो किया। एम्बुलेंस से आप गए शो के लिए? अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने जब फिल्मों की शुरुआत की थी तो उससे पहले जब मान लो कि हम लोग पढ़ाई करते तो आपने कोई सपना देखा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है, या फिर आपने ये सोचा था कि नहीं मेरे को तो फिल्मों के अंदर ही जाना है? मैंने एक्टर बनने का या इंस्पेक्टर बनने का, ये दो सपना रखा था। तो मुझे ये पहला ही रोल मिला ना, वो इंस्पेक्टर एक्टर बना, वो 100 में पुलिस वाला ही बना मैं। तो भगवान ने वो दोनों दिया, दोनों एक साथ दिया। और सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आपने अमिताभ बच्चन जी की दो फिल्मों के अंदर काम किया है? मैंने दो फिल्में मेरे को बहुत पसंद आई, एक हम पिक्चर जिसमें आपने उनके पिताजी का रोल किया है, और एक अग्निपथ में जिसमें आपने एक विलन का रोल किया अन्ना सेठी का। तो आपकी एक फिल्म में तो आपके उनकी गोद में मौत होती है और एक फिल्म में उनके हाथों से मौत होती है। वो बड़ा सौभाग्य की बात है, अमिताभ बच्चन जी के हाथों से एक पहले दिन मेरे को मारते हैं तलवार के घाव डालते हैं और उसमें वो उन्होंने गाली भी बकी आपको। तो फोर्स में वो गाली एडिट हुई। हाँ। और दूसरे दिन उनके गोद में मरना था। हाँ। वो बहुत हमजे रोए, यो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोला तो क्या नसीब, कल ये मेरे को गाली बक रहा था, आज ये मेरे को सहला रहा है। सूरज, आप इधर। हाँ हाँ, सूरज भाई आप भी आइए, इधर आइए। ये हमारे दोस्त है सूरज वालजे, इनकी बदौलत ये सब कुछ हुआ। ये हमारे युवक सूरज भाई चीर लीजिए आप तालुके के, तो कुर्सी पे बैठे सूरज भाई, मैं यहाँ खड़ा हो जाता, कुर्सी पे बैठिए आप, ये माइक लगाइए, आपका फोन लीजिए। तो दोस्तों, ये हैं हमारे बड़े भैया सूरज जी,
और ये सूरज जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैं सूरज वाजगे, मैं महाराष्ट्र में पुणे जिला और हमारा शिव जन्मभूमि जुन्नर तालुका वह नारेंगो में रहता हूँ और मैं एक सामाजिक कार्य में वहाँ एक कार्यकर्ता करके काम करता हूँ। दीपक दादा हमारे मार्गदर्शक है। दीपक दादा और मेरी कई सालों से दोस्ती है और दीपक दादा तो मूवी के अंदर फिल्मों के अंदर तो विलन के काम करते हैं लेकिन वो रियल लाइफ में वो सच्चे हीरो है, सच्चे हमारे मार्गदर्शक है। उनके वजह से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसी हस्ती हमारे आज मनीष भाई के चैनल पर आई है और मनीष भाई इतने कष्ट कर रहे हैं 2000 किलोमीटर से एक वीडियो के लिए इतने दूर आए, दीपक दादा से वो मिले, वो भी बहुत कष्ट कर रहे हैं। प्लीज़ उनका चैनल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो क्योंकि बहुत कष्ट उठा के मनीष भाई काम कर रहा है। अलवर का अपना एक सर्वसामान्य कुटुंब का लड़का, एक फैमिली सर्वसामान्य फैमिली का लड़का एक इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको मनीष भाई को भी हमारे सभी के तरफ से, सभी दोस्त परिवार के तरफ से उनको चैनल की भी मैं दिलों से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो में सूरज भाई के लिए और सर के लिए एक कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि अब सर की उम्र तो काफ़ी हो गई है। तो सर मराठी फिल्मों के अंदर काम करते हैं अधिकतर, तो जिन लोगों को पता नहीं है सर के बारे में तो वो लोग भी जान जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा इस प्रोग्राम को, मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से लव यू, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।